हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉकिंग मैथ स्किल्स। तो देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन है सीएसएनआर जून 2020 का और क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से है। और क्वेश्चन में देखिए जो पूछा गया है कि हमें जो गिवन है कि दैट ए एंड बी आर टू क्रॉस टू मैट्रिसेस एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन देखिए पार्ट बी का है, ओनली एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इन ऑप्शन थ्री में ये है और ऑप्शन डी में जो है हमें बीच में माइनस साइन गिवन है। तो बेसिकली हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन देख चुके हैं या नहीं देखा है तो देखिए, आप बेसिकली अगर आप कैलकुलेटिव करना चाहते हैं तो देखिए आप ए को एक 2x2 के मैट्रिक्स मान लीजिए ए बी सी डी और बी को मान लीजिए ई एफ जी एच। देन आप देखिए ए प्लस बी कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, देन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, देन आप अल्टीमेटली जो चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो देखिए वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, उसमें आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर हम देखिए इस बेसिक से क्वेश्चन के लिए हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करें जब हम इस क्वेश्चन को एक सिंपल से काउंटर एग्जांपल से सारे ऑप्शंस जो रॉन्ग ऑप्शन हम डिस्कार्ड अगर कर पा रहे हैं तो हमारे लिए बेटर है। तो सिंपली हम देखिए एक जो सिंपलेस्ट इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हमारा करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेंगे और जो रॉन्ग ऑप्शन अपने आप वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, देखिए बेसिकली चीज क्या है कि इसमें देखिए आप ए को क्या ले लीजिए, एक सिंपल सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए और बी को भी क्या ले लीजिए, आप सिंपल सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए। तो देखिए जब आपने ए और बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया तो हुआ क्या, देखिए बेसिकली तो देखिए हुआ क्या कि जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें देखिए दो सम है, तो देखिए जो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी है सारा सारा वो चीज क्या हो जाएगी, देखिए वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखिए ए माइनस बी क्या मिलेगा, देखिए आपको बेसिकली नल मैट्रिक्स मिलेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स भी क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज मिल रही है देखिए बेसिकली क्या मिला, देखिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ 2i। ठीक है, और देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 2i है तो इसका मतलब क्या, देखिए ये बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ k की तरह बिहेव करेगा। तो हमें पता है कि अगर देखिए a इज अ मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ जो के ए है के ऑफ ए वो कितना आ जाता है, के टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमारे केस में देखिए n की वैल्यू कितनी है, देखिए n की वैल्यू कितनी है 2 है और a के प्लेस पे कितना है i है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2i कितना आ जाएगा बेसिकली 2 टू द स्क्वायर इनटू 1, तो कितना आना चाहिए, देखिए आपको 4 मिलना चाहिए आंसर। ठीक है, तो लेकिन वैसे ओनली एक ऑप्शन होगा जो आपको वैल्यू 4 दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओनली डिटरमिनेंट ऑफ बी तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से 2 मिलेगा, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। यहाँ से अगर देखूंगा तो मुझे देखिए 2 माइनस 2 यहाँ से मिलेगा 0, आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन जो मेरा ये ऑप्शन डी है वो भी क्या है, देखिए बिल्कुल रॉन्ग। तो बचा हुआ देखिए ऑप्शन क्या है, सी, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने ऑप्शन सी को क्या कर दिया, देखिए छोटे से काउंटर से आपने तीन एग्जाम्पल बिल्कुल ही रॉन्ग प्रूव कर दिए और ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, सही हो गया बेसिकली। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए कितना इजी था, अगर आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में हो सकता है एग्जाम में। ठीक है ना, इसको अगर आप इससे भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें यह था कि आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता था लेकिन क्वेश्चन तो हो जाता, क्वेश्चन अगर आपसे करेंगे तो क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली ही मिलेगा कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको देखिए टू, अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे कि दैट आप डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे एंड देन प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे, तो आपको अल्टीमेटली ही मिलेगा कि 2 टाइम्स ऑफ ए डी माइनस बी सी प्लस ई एच माइनस एफ जी। जब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो दिस एंड दिस 2 टाइम्स, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस ये मिल जाएगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी। पर देखिए हमारा जो काउंटर एग्जांपल है वो काउंटर एग्जांपल ऐसे कोई टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ली है और हमने तीन ऑप्शन बिल्कुल आसानी से डिस्कार्ड कर दिए हैं, तो ऑप्शन हमारा सी का है करेक्ट ऑप्शन। थैंक
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।